सेवन सी का इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चैप्टर थ्री ये कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं और वो कुछ बातें सेवन हैं जिनसे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। एक होता है लेक्चर और एक होता है इफेक्टिव लेक्चर, दो का एक फर्क होता है। जिस लेक्चर में ये फिगर हो कि जब ये एंड होगा तो फिर हम जाएंगे और फिर हम एक्टिव होंगे या हम फलन डॉक्टर करेंगे, वो लेक्चर लेक्चर भी रहता है। और वो लेक्चर जिसमें आप कैलकुलेट हो जाए, जिसमें आप अटेंटिव रहे, प्रोवाइडेड आपकी अच्छी नींद हुई भी है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी है, तो आप उस लेक्चर को तवज्जो से सुने और उसमें आपकी एक्टिव लिसनिंग हो, पार्टिसिपेशन हो, बॉडी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व हो जाए, उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेक्चर। एक होती है कम्युनिकेशन, प्लीज चलो मेरे साथ, ये बोल दिया, और एक होता है किस तरह बोलना भी वो चलने को तैयार है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक होता है किसी को कोई बात बता दे और एक ये कि वो बात उसके अंदर उतार दे। ये जो बुलाने वाली बात है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लेकिन चैप्टर इज लोडेड विद नॉलेज एज वेल एज सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सो यू स्टार्ट विद अ फैक्ट। अल्सर इज नॉट कॉज बाय व्हाट यू ईट बट व्हाट ईट्स यू। सवाल, वी ऑल नो, मेरे ख्याल है मैं पूछूं कि इससे व्हाट इज अल्सर, सम व्हाट रिलेटेड टू स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड मैदा और पेट, ये सब। और हम ये भी जानते हैं कि रीसेंट टाइम्स स्ट्रेस की वजह से अल्सर होते हैं, एग्जाम स्ट्रेस हुआ, बच्चे का पेट खराब हो, पेट खराब हो, कोई कोई एंजाइटी वाली न्यूज आनी है जिसके लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, वो न्यूज अब आने वाली है, इसमें से कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। सो अल्सर एक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसको यूजुअली लोग एसोसिएट कैसे करते हैं खाने पीने के साथ, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपने खाई नहीं होती लेकिन वो आपको खा जाती है। कैसे, एग्जाम्पल, ये जितने फ्रंट पे बैठे हैं अज्यूम करें कि दे आर वेरी शॉर्ट हाइट पीपल, दे आर 4 feet लॉन्ग, दैट्स इट, 4 feet इज वेरी शॉर्ट ना, तो वे दे आर 4 feet लॉन्ग and they hide this, and one of them goes to a party, family gathering, wedding, पर वहाँ पर आई हुई कहता है कितने रहोगे तुम, फला चीज पी लिया करो, फला खाया करो, लड़का करो, ये किया करो, जो भी पास मशहूर है आपको बताइए फ्री करो, तो वो आपको उसको बोल दिया। अब ये शुरू में जब जमाना था जब मैं स्टूडेंट थे तब तो ये बर्दाश्त कर रहे थे, जब मैं भी ग्रोइंग एज में हो जाऊंगा, लेकिन जब वो ग्रोथ हाई की ग्रोथ की एज गुजर गई फिर आके लोगों ने ये बातें करना शुरू करी तो फिर वो टॉन पे लगने लगे, फिर वो कॉमेंट्स एक नेगेटिव शॉट्स लगने लगे कि यार ये मुझे क्यों बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई वजह थी मुंह टेढ़ा है और लोग आगे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर ऐसे लोग बोलते हैं, कुदरती होता है, दे स्टक है और उन्हें टाइम लगता है, एंड आई हैव सीन देयर फ्रेंड्स टेलिंग देम तो पहले एक एक जल्दी जल्दी बोल बच्चों को मजाक उड़ा रहा है उसका, अगर मेरी आपकी जबान अल्लाह ने ऐसी साफ रखी है तो व्हाट्स माय कमाल एंड व्हाट्स योर ब्रिलियंट, कुछ भी इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन बास्केटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अल्लाह, उन्होंने उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, हमारा जबान को क्लियर करके टेस्ट करता, उसका रोक के टेस्ट कर दिया। तो समथिंग्स क्या होता है कि लोगों को जब ये ताने मिलते हैं हमारे कौशल की बात है, जब मैं इफेक्ट ये बात तो लोग जानते हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज बियॉन्ड बिजनेस, मैंने कहा था ये सब्जेक्ट लाइफ में लगभग ऐड करेगा तभी लोगों को याद रहता है, लेक्चर याद रहता है, एग्जाम्पल इजी होती है रिकॉल करना। तो कमिंग बैक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो लोगों को भूली जाती है, जब वो लोगों को भूली जाती है तो लोग उसे फील करते हैं। फील करने का मतलब क्या है, फील करने का मतलब ये है कि लोगों को जब वो बात बोल दी जाती है तो वो घंटों तक सोच रहे होते हैं मुझे क्या बोलने चाहिए, और ये लड़ने के बाद भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरी भी, they don't take anything from any person, deep होते पड़े होते,
shitty religion, usually people are sensitive in nature. Sensitive in nature. And sensitive in nature means क्योंकि तबीयत की चीज होती है कि अगर कोई बात कह दे तो उन्हें फील होता है. तो हमारी कम्युनिकेशन में कम से कम इतना जरूर होना चाहिए, इतनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो कि हमारी वजह से बट वॉट इज कॉन्शियस मेरे जुमलों की वजह से ना मर जाए. और उसमें बहुत लोग आपके पेरेंट्स होते हैं, समटाइम तो हरा है तो बात देते हैं कि पेरेंट्स उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक वाले साहब बच्चे को काउंसलिंग के लिए गए और बताते रहे मेरे पिता यूं है यूं है, एंड एट वन टाइम उसके बेटे का उसके बेटे का रंग जो है ना वो रेड होना शुरू हो गया. अच्छा 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 निकल बेटा आप बताओ. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इतना नहीं है. नहीं नहीं सर मैं बता रहा हूँ सच्चा है, ऐसा है अब्बा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ. और वो उसके बाद उसके बाप की जबान नहीं चलती. तो अब जो ये बाप और माँ फिक्रों में मरे हैं उसकी वजह मेरी और आपकी पूर्व कम्युनिकेशन. और इसी तरीके से फलाना का रिश्ता नहीं हो रहा पर वेरी कॉमन इश्यू इन सोसाइटी, तो उसको मार दो. और फलाना की डिलेड मैरिज है, डिलेड उसकी एजुकेशन है, डिलेड उसके यहाँ कोई चाइल्ड न्यूज है. तो ये आज सीखने की चीजें हैं, आज अगर जिंदगी में नहीं सीखने का मौका मिलता फिर तो आप पुख्ता हो चुके होते, पक्के हो चुके होते, वास्तविक हो चुके होते. तो आज याद रखिए लोग जो बम से रहे होते हैं वो खाली खाई की चीजों के नहीं होते, उन चीजों के लिए होते जिन चीजों ने उन्हें खा लिया होता. कभी औलाद की परेशानी, कभी फला फिक्रे, कभी फला फिक्रे, ये चीज है. ऐसा मैसेज लाइफ में नहीं जाना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट सी, सात सीज पढ़े हैं. कितने सी दोस्तों? सात. बी गुड टू अदर्स ऑन योर वे अप, यू विल नीड देम ऑन योर वे डाउन. आपको आपको दिए मैंने 3 मिनट्स कितने लोग एंड यहां से कंप्लीटनेस आपने देखा है. एक सी पे आप आते होंगे कि 6 सी मैं आपको सुनता हूं. स्टार्ट कंप्लीटनेस. द कम्युनिकेशन व्हिच हैज गॉट 5 W's आंसर्ड इन इट. कौन सी बात है? The message must be complete. It should convey all the facts required by the audience. The sender of the message must take into consideration the receiver and to communicate all the facts and figures related to the message. Moving on. Who, what, when, where, why. No printing in the version. Yep. The completeness ki baat hai ki 5 W's sentence mein aane chahiye. जब कंप्लीटनेस की बात आएगी 5 W's आपके जहन में आने चाहिए. व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हू. कॉपी. यस सर. अगली बात, आपकी बुक में फीचर्स लिखे हुए होंगे, टिक कर लें एटलीस्ट टू ये पॉइंट्स. दो दफा कम से कम पढ़ लें, टू एक्स लिखें, दो दफा कम से कम. आप अपने पास हंड्रेड का लिखना लिखने में बुक नहीं है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन रीडिंग तो मैं पढ़ नहीं है. अब बात होगी ये एग्जाम्पल है, ये हमारी बुक की एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ये पेपर में आने के बीच के पूरे पूरे चांसेस हैं. कितना पढ़ेंगे सब लोग यहाँ से बिलो. अभी एक ईमेल है और ईमेल लिखकर के भेज कर रही है किसको और वो ये बस रिपोर्टिंग कॉपी भेजने जब जब पहनते हैं जब मौका होता है सहूलत यार मुझे बताएं इसमें
5 to 5 reviews. What form should the report take? पहली बात किस तरह होनी चाहिए? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मिसिंग है? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों रहते हैं कि रिपोर्ट सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो शायद मैं फॉरेन से कंट्रोल पी करना ना पड़े बस बैग सेंड कर दो। हार्ड कॉपी चाहिए तो कंट्रोल पी के प्रिंट नहीं ले आप बाइंग होगी उसके फ्रंट बैक कवर्स बनेंगे तो रिपोर्ट सबमिट करो कितना फर्क है। The why question has not been answered, which means कि मैं ये report चाहिए क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे ना report किस चीज के लिए चाहिए, तो मैं report को उस हिसाब से tailor करके भेजूंगा। जब बताया नहीं है, तो मैं वो कैसे करूँ? अब बढ़ सकता हूँ आगे? अब मत करें। A more appropriate message may have been, देखें please, अब सब लोग पढ़ेंगे please, जी। Hi Lena. Please, could you email a soft copy PDF of last month's sales report to Sobhya? एक मिनट। And Sobhya को CC'd in this message, जिसको मैंने भी CC किया है message में। CC समझते हैं हम लोग? CC नहीं समझते? कितने लोग नहीं समझते? हाथ रेस करें। अब सुने। मैं एक मैसेज कर रहा हूँ ईमेल में, तो ईमेल में CC ऑप्शन होता है। CC is carbon copy कि यही ईमेल जाएगी तो आपको और साथ साथ उसको भी जाएगी जिसको मैंने कॉपी भेजी है और यही लिखा हुआ होगा कि साथ साथ ने भेजी इनको है आपको एक कॉपी दी गई है इसकी। कुछ समझ में आया? अगली बात करता हूं जरा सुनिएगा। इसी तरीके से एक चीज होती है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो जिसको भेजते हैं उसको दिखता भी नहीं है क्या उसका नाम ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ऑफर भेजी और मुझे डर है कि आप मुकर जाओगे सर साथ में, तो ऑफर नहीं दी थी मुझे, अच्छे रेट्स दिए ही नहीं थे, तो मैं ये चाह रहा था कि आपको कोई एक ऐसा गवाह बन जाए, कोई एक ऐसा बंदा गवाह बन जाए हमारे बीच में जिसको मैं गवाह बनाऊं लेकिन आपको बताऊं भी ना। तो मैंने लेट से आपको और अपनी टीम के 2-3 लोगों को उठा के BCC कर दिया, आपको नहीं दिखा। कुछ दिनों बाद जाकर आपने ऐलान किया नहीं सर साथ में मुझे कोई ऑफर नहीं दी। मैंने कहा देखें ऐसा नहीं करें, मेरे पास का प्रूफ है। आपने कहा आपने मुझे कौन सी ईमेल भेजी है? मेरे इनबॉक्स में तो कुछ नहीं है, मेरे इनबॉक्स में तो कुछ नहीं है। मैंने कहा ओके आपको रिसीव नहीं हुई, पहले मैंने आपको कन्फर्मेशन दिखाई जो मेरे पास आई थी और दूसरा मैंने फिर आपको ये दिखाया कि ले आओ अपने इनबॉक्स को, तो उसमें लिखा था ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में इनको ईमेल आई हुई थी जो नाम आपसे छुपा हुआ था। तो समटाइम्स एविडेंसेस के लिए यूज किया जाता है। अगली बात, Sobhya needs the report by the end of tomorrow so she can prepare an updated cash flow forecast for her meeting with the bank next Monday. Kind regards, Hajra. Done. मुझे बताएं कुछ समझ में आया? इस कम्युनिकेशन और ये वाली ऊपर जो तकरीबन मिस कम्युनिकेशन थी, ऊपर वाली तो हम पोअर कम्युनिकेशन कहेंगे, इनएफेक्टिव कहेंगे, और नीचे वाली कम्युनिकेशन को हम बोलो भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। याद रहेगी बात? मूविंग ऑन, अगली बात पढ़ें। मतलब बताओ, सम कॉज हैप्पीनेस विद एवर दे गो, अदर्स वेन एवर दे गो। नहीं समझ में आया? साथ कुछ लोग कहीं भी जाते हैं
तो खुशियाँ पॉजिटिविटी भी खेलते हैं, और कुछ लोग बस जब कभी चले जाते हैं सुकून आ जाता है। सही है, यानी जहाँ से भी जाते हैं लोग सुकून में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम क्या आ रहा है दोस्तों? कंसाइजनेस। मैंने कहा था बाकी सक्सेस पूरे पूरे मैं खुद ही बताऊंगा, उसने थोड़ा सोचने का मौका दिया था। कंसाइज वर्ड पे गौर करें, अपीयर्स टू बी समथिंग समराइज्ड, शॉर्टेंड, ऐसे ही ना, खुलासा, की बात करना, एक्स्ट्रा बात ना करना। ओके, बुक में कितनी हेडिंग्स मिलेंगी? दो। अब इसमें क्या याद रखना है, पढ़े, कन्वे द मैसेज बाय यूजिंग फ्यूज वर्ड्स। कंसाइजनेस इज द प्री रिक्विजिट टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। एज यू नो दैट ऑल बिजनेसमैन हैव, ये आप मैसेज पर ही कह सकते हो, और सुना फिर क्या हुआ, अच्छा ओह, तो इतने जो इमोटिकॉन्स एक्स्ट्रा जाते हैं ना इमोजीज, ये फरागत की अलामत होती है इंसान के। एक तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होना है, एक छोटी सी बात पे इतनी लंबी कम्युनिकेशन, वाओ यार वाकई गए मजा है, आधा घंटा का जानना था उसमें गुजर गया। ये कह रहे हैं बिजनेस की कम्युनिकेशन में आप लंबी मत कीजिएगा, खैर खैरियत पूछने की भी जरूरत नहीं है। होप यू विल फाइंड दिस इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। नाउ बस अगली बात जी, ऑप्टिमिस्ट अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। मतलब जो पॉजिटिव आदमी होता है बोलता है ये मुश्किल है, चलो यार एक दफा फिर कोशिश करके देखते हैं, अल्लाह से मांगेंगे, मेहनत करेंगे और आगे जाएंगे। तो मुश्किल को वो अपने लिए आगे हार्डवर्क का अपॉर्चुनिटी का जरिया समझता है। जो नेगेटिव आदमी होता है वो हर मुश्किल को अपने लिए परेशानी समझता है, ऐसा ही है ना। तो पेसिमिस्ट कौन होता है? वो हर चीज को नेगेटिव सोचेगा। शाबाश, मूविंग ऑन। अब जरा देखें, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये बुक से नहीं है, वर्डी एट दिस टाइम की जगह ड्यू टू द फैक्ट दैट बिकॉज। बुक में यही चीज अलग शक्ल से मिलेगी आपको, इसको जरा समझें। पहले वाला कंसाइज नहीं है और दूसरे वाला कंसाइज है। इसी तरह नीचे ड्यू टू द फैक्ट दैट, पांच वर्ड्स की जगह एक वर्ड, कौन सा? बिकॉज। लेकिन इतने याद रखें कि इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। जिसने आईकैप, यूं समझ लें जिसको आईकैप की बुक ने या आईकैप ने कह दिया, यानी जिसको मैंने बता दिया कि यार ये कंसाइज है, और आप बोले कि नहीं सर कंसाइज तो वो है, तो जो बुक कह रही है बुक ठीक होगी, हम गलत होंगे बस। इसलिए कि कुछ जगह पे चांस ऐसा आएगा जहां पे मैं अपना थोड़ा इनपुट देके तुम्हें खाली बताऊंगा कि दोस्त ऐसा नहीं होता मार्केट में, ये लिखा हुआ है लेकिन होता नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी रिटन होती हैं हमारी स्ट्रीट टेक्स्ट में, हमारी क्या दुनिया जहां में, कि उनकी जो टेक्स्ट में लिखा होता है वो प्रैक्टिसेस में नहीं होता, वर्ड्स इनटू एक्शंस नहीं जा रहे होते। अगेन नेक्स्ट वर्डी और फर्क जी, कितनी छोटी बात की, अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, खुदा हाफिज। वो एक्चुअली असल में क्या हुआ कि मैं जो हूँ ना उस दिन मेरा एग्जाम भी है नेक्स्ट डे, और वो जो है ना मुझे बड़ी बहन को लेने भी जाना है, और वो भांजी भी आजकल बहुत तंग करते हैं, कोशिश करूंगा यार, देख पक्का नहीं है मैं आ सकूँ, यार मैं एक्चुअली नहीं आ सकूंगा यार, फिर आके इंशाल्लाह मिलता हूँ, ओके सलाम। और इतनी लंबी करना रहती है ना, इतनी लंबी करने की प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, आप बिजनेस बात कर रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं ना उसमें उसको दिल रख भी रहे थे, आप कह रहे थे दिल में रहने भी दो अपने थोड़ा मुझे, और थोड़ा सा मुझे गुंजाइश भी दो कि मैं तुम्हारे इवेंट्स में नहीं आऊँ। तो वो चूंकि पर्सनल रिलेशनशिप होता है तो उसमें ये बातें करनी पड़ जाती हैं, आपको दूसरे को फील करवाना पड़ता है, नहीं आई एम विद यू इन योर गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। लेकिन बिजनेस में गुड और बैड टाइम की इतनी परवाह नहीं होती, बोलते हैं वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। सही, नेक्स्ट आ जाए। अब देखें हमारी बुक से कुछ बातें, कोई एक रीड करेगा प्लीज जल्दी से, कौन रीड कर रहा है? कोई एक लाउडली रीड करे, एक बंदा, पर कोई एक रीड, अच्छा जी प्लीज। We make use of, we use, it is our hope that, we hope that, X is an indication that Y, X indicates that Y,
provides a justification for justifies. सिंपल एंड क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, फीचर्स खाली रीड करने। अब आए, ये याद भी करना है और अभी कुछ देर में समझ में भी आ जाएगा। जी न्यू कोर्स सून। आपका नाम? मेरा नाम वकील अहमद। वकील अहमद, वकील पढ़ना है ऐसे, कौन सा फ्रेज यूज करना है बताएं, फ्यू या फ्यू इन नंबर? फ्यू ना, तो आप क्यों पढ़ेंगे? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की जगह जो राशिदा ने मैनेजमेंट में लिखी थी, ये बुक इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, एक दफा रीड कर लीजिएगा, टिक कीजिए, अपने पास टिक कर लीजिए या अपने पास नोट कर लीजिए। बुक में इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर बताना दोस्त, कौन से पेज पे आ रही इलस्ट्रेशन, ये नोट कर लें पेज नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। जी बेटा कोई कुछ पूछ रहा है? कंसाइजनेस की ये मेरी फेवरेट एग्जाम्पल है, ये मेरी सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है, इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। देखिए प्लीज, बैड एग्जाम्पल, वकील आप ही पढ़ेंगे। प्लीज सेंड अस इन द नियर फ्यूचर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून वुड बी फाइन एंड इवन जुलाई इफ यू आर प्रेस्ड फॉर ऑर्डर्स इन जून 45 वॉल्यूम्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन बाय पार्सल पोस्ट और सिंस द पार्सल मे बी हैवी बाय करियर मैन। इसी तरह पढ़ना, गुड एग्जाम्पल, प्लीज सेंड बाय करियर मैन 45 वॉल्यूम्स ऑफ इंडक्शन इंट्रोडक्शन ये जो अंदाज है ना ऊपर वाला, ये वो है, एक काम करो यार, ये भी लेना और सुनो वो ना मिले ये भी ले लेना, ये घरों के सौदे में होता है, बिजनेस में नहीं आता। ठीक है जी दोस्त, ये भी बुक में नहीं है, इसके खाली थोड़ा पढ़ाना है, ये जरा हाई एवरीवन से पढ़ें। ये क्रिस्ट ने बात खत्म कर दी, I just wanted to send you all a reminder about the meeting we are having tomorrow. कौन सी मीटिंग, किस जगह मीटिंग, अंकल आप कौन? तो होना क्या चाहिए था? This message is incomplete, not complete. Hi everyone. जी अब वकील पढ़ें। I just wanted to remind you about tomorrow's meeting on the new telecommunication policies. The meeting. अब देखिए ना फर्क आया, आपने एजेंडा बता दिया मीटिंग का, this agenda will be completely explained in chapter number 7, वहाँ का ये part है। जी। The meeting will be at 10 a.m. in the second level conference room. Please let me know if you can't attend. See you then, Chris. बेहतरीन हो गया। ये completeness की example यहाँ रखी थी। जी। We grow old because we stop playing. जी हाँ। कुछ लोग होते हैं अभी आपकी age में होंगे, इनको थोड़ी हंस के बात करो। जी सर, पढ़ रहा हूँ। वो लगता है अभी अभी खत्म हो रहा है सीए, तो सीरियस होने से पढ़ाई नहीं होती भाई, जो हंसने की जगह होती है वहां पे बंदा हंस सकता है और रिलैक्स हो सकता है। जी से लेस एंड मेन बॉल। नेक्स्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में सबसे पहले आएगी एग्जांपल, आइए वकील अब एक बात बताएं, हम पता है हमारे घर में क्या होता है, हम आपको एक ऐसा घर दिखाएंगे अपना, अब हमारे यहाँ रुकेंगे ना, हमारे यहाँ हम हमारे मेहमान हमारे रिश्तेदार हमारे दादा शिकार करते थे, वो टीपू सुल्तान जानते हैं, वो उनकी नस्ल और वो हमारे फलाने, उन्होंने तो रूस को भगाया था, और हमारे ये जो हमारे हमारे चलता है ना, तो ऐसे लोग कभी जब अपने सिंगल में बात करते हैं, पता मैं ये माई सेल्फ का या आर सेल्फ का ऐसे होते हैं,
इनकी माई सेल्फ ही नहीं खत्म होती, माई फैमिली, माई अंकल, माई फादर, माई फोर फादर्स, ये एटीट्यूड बिजनेस में तो बहुत डिसलाइक किया जाता है। मैं कुछ नहीं होती भाई, आप सामने जिससे बात कर रहे हैं उसको बोले, उसको वैल्यू दें, जैसे पढ़े वी एटीट्यूड। I am delighted to announce that we will be extending our hours to make shopping more convenient. आप बस इतना बोल रहे हैं, हम लोग अपने hours बढ़ा रहे हैं, इसकी जगह क्या करना चाहिए था? You will be able to shop evenings with the extended hours. अब आप किसी भी आके शॉपिंग कर सकते हैं हमारे दरवाजे के लिए। पॉइंट इज कहने के अंदाज में यू अप्रोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? कंसिडरेशन के अंदर एक चीज जो आपने पढ़नी है वो यही है, यू अप्रोच। और यू अप्रोच में एक बात याद रखें कि पॉजिटिव चीजों में यू अप्रोच यूज होती है, नेगेटिव में यू अप्रोच सही है नहीं यूज होती, नेगेटिव चीजों में यूज अप्रोच नहीं करते हैं। अब जरा देखिएगा, बट एम्प्टीज टुडेज स्ट्रेंथ। अब कंसिडरेशन में कुछ आएगी बात जो याद करनी है। आए सॉरी, चलो अनहैप्पी की जगह रिजेक्ट, अनफेयर, अनफेवरेबल, हेल्पलेस, ट्रबल, रिग्रेट, थैंक्स। एक वी एटीट्यूड एंड यू एटीट्यूड की एग्जांपल्स ये बुक के अंदर है। पहली बात, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी मेंटेनिंग प्राइसेस एट एग्जिस्टिंग लेवल्स। यू एटीट्यूड, यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम प्राइसेस एज यू पेड लास्ट ईयर। We are delighted. I am delighted to announce that we will be extending our opening hours. And you are delighted. You will be able to shop in the evenings and throughout the weekend due to the extended opening hours. तो आपने दूसरे लोगों का comfort, उनका interest show किया। अब avoid करना है you in sensitive cases. इसको note करो, ये बहुत important slide है। और ये आपके पास book में भी है। Important for exams. Avoid you in sensitive cases. आपके पास illustration होगी, मिला? बढ़ो। जी चलें कंटिन्यू करते हैं। यू हैव नॉट सेंड द रिपोर्ट, तुमने रिपोर्ट नहीं भेजी। इसकी जगह बोले द रिपोर्ट वॉज नॉट रिसीव्ड, रिपोर्ट आई नहीं। इसमें आपने ये भी एक चांस दिया कि शायद तुमने भेजी हो, रास्ते में राइडर मर गया हो, गिर गया हो, कोई और मतलब हुआ हो, तो आपने चांस दे दिया उसको, तुमने भेजी ही नहीं। तो ये इल्जाम जैसी टोन आती है, थोड़ी सी एक्यूजेशन वाली टोन होती है, बोलना चाहिए मुझे मिली नहीं अभी तक रिपोर्ट। Number two, G. You cannot return the items if they are soiled or not in a saleable condition. आप simple simple ये बोलें, भाई आइटम जरूर रिटर्न होंगे अगर आप दुकान से बाहर लेके नहीं जाएंगे, आइटम जरूर रिटर्न होंगे अगर बॉक्स नहीं खुलेगा, आइटम हम लोग जरूर रिटर्न करेंगे, लेकिन अगर तो पढ़े, आइटम्स विल बी रिटर्न इफ दे आर क्लीन एंड इन अ सेलेबल। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हो गया। फॉर पेसिमिस्ट अ बिग प्रॉब्लम इज, एंड फॉर ऑप्टिमिस्ट इट्स टू बिग टू। जी भाई बोले बोले, टू बिग टू, शाबाश, टिक कर ले इंपॉर्टेंट के नाम से। ये इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन दी हुई है बुक के अंदर, टिक करें पहले, इसको पढ़ेंगे वकील, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वकील बेटा ये पढ़ो, देखिए ये जो कुलसुम ने सेंड किया है क्लाइंट को, तो जो फर्स्ट पैरा आ रहा है इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। अब पढ़े जी, बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन ईमेल दैट कुलसुम सेंट टू अ क्लाइंट। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंक्स फॉर योर ऑर्डर डेटेड 16th अप्रैल
we have now executed the order, and I would like to draw your attention to your to our dispatch. Dispatch documents that I have attached to this email. The documents include our invoice, our packing note, our delivery note, our product. कस्टमर बोलेगा फिर अवर प्रोडक्ट आप ही रखें, मतलब हर चीज हमारी है, ये कस्टमर फोकस मिजाज ही नहीं है। जी आगे बढ़े। The above extract is heavily biased towards I and B, showing little consideration for the customer you. Significantly more considerate alternative might be for your order dated 16th April. Although the goods you ordered have now been dispatched. नहीं समझ में तो बताओ किसको अपनी अपनी बात होगी उससे कंसिडर करेगी थैंक यू for the goods you order. Please find the tax. दूसरे को ही बोल रहा है इसकी टोन और उसकी टोन में बहुत अब समझ पाए कुछ बेहतर हो अब क्यों सारा नाम है इसको पढ़ेंगे अपनी सब पहले पढ़े आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट वी हैव एक्सटेंडेड आवर शॉपिंग आवर्स टू मेक शॉपिंग अब आगे आ गए वी आर लेकिन जहां चाहे यू योर आ सकते हैं वहां तो यूज करें यू फेल टू सेंड दी हाँ Then what is the wrong? Nothing. जब ये तो खराब होती है तो अच्छा नहीं Convenience. अब यहाँ होता कुछ बात करूँगा कितना वर्ड पढ़ो सर कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट किसे कहते हैं जी मजबूत पत्थर वो चीज जो ठोस होती है वो उसे होते हैं कॉन्क्रीट जैसे आप लोग यार सुबह है तो लोग कह रहे थे कॉन्क्रीट बात नहीं है मैंने खुद देखा है अभी अभी नीचे वो खड़ा और उसके हाथ में वो बैग था जो चोरी करके ले गया जो तुम कह रहे हो ये बात मैंने खुद देखा है ब्लू शर्ट एक ये बात ये है कॉन्क्रीट बात कॉन्क्रीट कहते हैं पक्की बात अब आप कहते हैं सर जाना है मैंने कहा हमें अगर दूर जाना है बहुत दूर मैंने इतना दूर था ना बहुत दूर था वो आपने सर वो ले वो मैंने भाई डिस्टेंस बता ये बात जो अभी आपने ये दूर जा रहे हैं ये कॉन्क्रीट नहीं है कॉन्क्रीट बात इसको बोलते हैं 500 किलोमीटर फार 200 किलोमीटर फार पर ये तुम्हारी मैं नहीं उठा के जा रहा हूँ बहुत भारी कितना भारी है कितना वजन 60 kgs, 70 kgs. पक्की बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस शो होगी कहीं बात पक्की अब इसके तरफ में दो है सबसे पहली बात जरा और से देखिएगा पढ़े पहले वे जनरल एंड इनडेफिनिट क्या स्टूडेंट का जीमैट स्कोर जो है आप पढ़े फर्क समझ में आया अगर मैं कहूं सेल्स इंक्रीज हुई है कॉन्क्रीट लेस कॉन्क्रीट लेस कॉन्क्रीट और मैं कहता हूं सेल्स इंक्रीज हुई है 10% से कंपेयर टू लास्ट ईयर
शाबाश, पुट एक्शन इन योर वर्क. अभी आ जाएंगे कुछ ये वर्ड्स याद रखने, ये स्मॉल, अ फ्यू, सेवरल, स्लाइटली, सून, ऑलमोस्ट, याद रखना ये सारे वो वर्ड्स हैं जो जो चीजों को कॉन्क्रीट नहीं रहने देते. थोड़ा सा कुछ ही थे, स्लाइटली, सून, बस जल्द, ऑलमोस्ट, तकरीबन, ये सारी जगह तब बोली जाती है. मेहमान आ रहे हैं, हाँ हाँ तकरीबन, आप भी आ जाए. ये जो तरीका होता है ना, ये तरीका असल तब होता है जब आप फैक्ट बताना नहीं चाहते. आप कॉन्क्रीट होंगे तो दूसरा बंदा तो सामने आपको, मतलब इसलिए लोग झूठ के लिए या सच को छुपाने के लिए यूज करते हैं. तो ये बातें लेस कॉन्क्रीट होती हैं. आइए प्लीज, अब आएगी कुछ एग्जाम्पल जो याद रहेगी. द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन बक्सर हैज इंक्रीज. द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन बक्सर फॉर द लास्ट मंथ वॉज, विच वॉज 100% हायर देन दी. और एक और नीचे वाली एग्जाम्पल देखें. आप एक बोल रहे हैं प्रॉफिट ग्रेटली बढ़ गए, इससे मजा नहीं आएगा. आप बोल रहे हैं प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा हो गए, अगर 3 टाइम ज्यादा हो गए, और आपकी फोरकास्ट को 120% से बीट भी कर रहे हैं. आपने सोचा होगा 200 वो 320 पे चले गए. द फैक्ट्री, अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सर मैं पढ़े सर रात, मतलब लाइट ही नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं हुई, इसको बोलेंगे लेस कॉन्क्रीट. और आप कहेंगे सर 4 घंटे लाइट नहीं थी और मेरे 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस जाया हो गई, इसे बोलेंगे कॉन्क्रीट. जैसे एक दुकानदार जिसकी दुकान पे पैसा लगा हो ना, वो बोलता है अरे यार इतने रुपए का नुकसान हो गया इस हड़ताल से, तो वो जो बोलता है ना वो कॉन्क्रीट बोलता है. बेटा एक मिनट रुकिए बताता हूँ. एक शॉपकीपर है, उसको स्ट्राइक की वजह से शॉप ओपन करने का चांस नहीं मिलता, तो वो एक्सप्रेस करता है तकरीबन मेरे तो 2 लाख रुपए चले गए 2 दिन के, 1 लाख रुपए मेरे दिन की सेल होती है. ये क्या है? कॉन्क्रीट है. जी दोस्त अब बोलो क्या बोलो. अच्छा याद रखिएगा बात कि जब कंसाइजनेस बोलेंगे तो फिर सवाल फौरन तुम करो मुझसे, ये तो बहुत दूर आ गए. पहला सवाल करो कंप्लीटनेस में, तो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई सब बताने. आप कह रहे हैं शॉर्ट रखो, तो शॉर्ट का मतलब है जहां अल्फाज कम हो सकते हो. ठीक, हाँ ठीक, टू द पॉइंट बात करनी, लेकिन नेसेसरी बात छोड़नी नहीं है. शाबाश, गुड क्वेश्चन. चलो भाई, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. समझ में आई बात? हमें दूसरों को देख के भी ऐसे लगता है कि हमने उनकी गलतियों से नहीं सीखा, तो फिर हम रिपीट करते हैं. तो पास्ट की मिस्टेक्स जिनसे सीखना था, वो मिस्टेक्स सिर्फ हिस्ट्री के नाम से पढ़ लेते हैं, मिस्टेक्स को ठीक नहीं कहते हैं. आइए, नाम क्या है? बुक निकाले, एक मिनट, क्लैरिटी पे एक चीज आपसे शेयर. क्लैरिटी का मतलब होता है बात को क्लियर करना. अब क्लियर करने का मतलब क्या है? जो हमारी बुक के अंदर मतलब है वो सुने. देखिए मैं आपसे एक बात करता हूं कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होते हैं, एक होती है मेन क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों कोई काम की बात हो रही है अभी पीछे, हसनैन तुम्हारे पीछे बैठा है. हाँ
जरूरी बात चल रही है, सीटेड हो। क्लैरिटी, क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि बात इस अंदाज में की जाए कि ओवरलैप ना करें। मैं एग्जांपल देता हूं, कार फाइनेंसिंग बढ़ गई है, कार फाइनेंसिंग बैंक से अरेंजमेंट करके गाड़ी निकलवाना कार फाइनेंसिंग, अब वो चाहे इजारा वाला मॉडल हो, चाहे वो लीज वाला मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, इन द वर्ड्स इस्लामिक मॉडल हो नॉन इस्लामिक मॉडल हो। अब सवाल सुनिएगा, मैं दो बातें करता हूँ। नंबर वन, कार फाइनेंसिंग बढ़ गई है जिसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक बढ़ा है और पॉल्यूशन भी बढ़ी है, और अगर ये नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज होता, तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी गाड़ी चलती और 50 लोगों की गाड़ियां घर में खड़ी रहती, तो जब फ्यूल कम बर्न होता तो इमिशन कम होती, पोल्यूशन कम होती, एंड इवेंचुअली एनवायरमेंट अच्छा होता। अब ये जो मैंने बात की है ना, ये बात ऐसे की है जैसे ब्रिक्स को रखा हो, ईंटें समेट समेट के रखी है। भाई आजकल कार फाइनेंसिंग बढ़ गई है, देखो पॉल्यूशन का क्या हाल हो रहा है। हाँ जहरी बात है, जब कार फाइनेंसिंग गाड़ियां निकलेंगी निकलेंगी तो चलेंगी, चलेंगी तो धुआं भी होगा। ये जो तरीका है ना कि कार फाइनेंसिंग है, देखा आजकल सांस की बीमारी बढ़ रही है कार फाइनेंसिंग से, ये जो इतनी दूर से डायरेक्ट लेकर आए ना, ये पिक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, जब से मोबाइल मार्केट वालों की चालनी हुई है ना, तो रात की दवाइयां बहुत बिक रही हैं। तो रात की दवाइयां बहुत बिक रही, कहां से कहां ले गए सर? तो भाई मोबाइल मार्केट वालों की चालनी का मतलब है कि उनका बिजनेस बहुत चला है। तो जो लोग बेचारे इसके एडिक्ट हो चुके हैं, अब वो सोना भी चाहते हैं तो सो नहीं पाते, तो अब दवाओं का इस्तेमाल शुरू हुआ है जो पहले नहीं था। तो ये मैंने बहुत करीब जोड़ा, अब देखना मैं क्या जोड़ता हूं। जब से ये मोबाइल मार्केट वालों की चांदनी हुई है ना, इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के मजे हो गए। और इससे भी दूर जोड़ता हूं, ये तुम लोग को असल फील होगा, जब से मोबाइल मार्केट की चांदनी हुई है ना, डॉक्टर्स ने बड़े ट्रिप शुरू कर दिए बाहर के। अब पकड़ो कितना दूर से लिंक किया है कि जब मोबाइल मार्केट के अंदर चीजें बिकी, तो बिकने से लोग यूज टू हुए, हैबिट्स खराब हुई, सोशल लाइफ खराब हुई, करते 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 उनकी हेल्थ खराब हुई, वो डॉक्टर के पास गए, दवाएं ली, दवाएं बेचने वाले फार्मास्यूटिकल वाले पहुंचे, रश लगा, एक ने बोला आप मेरी दवाई लिखें, दूसरे ने कहा मेरी लिखें, तीसरे ने कहा डॉक्टर साहब दवाई लिखे ना लिखे, ये टिकट तो रखें। डॉक्टर ने कुदरती तौर पर खुद ही लिख दिया, तो डॉक्टर की फ्लाइट क्यों बढ़ रही, मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं। ये लिंकेजेस तरीके से समझाना क्लैरिटी है। और बीच बेटा, ये तो जो तब्दीली आई है ना बेटा, इससे हमने एक ही सबक सीखा है कि आटा महंगा होगा बेटा, अभी सब चीजें महंगी होंगी, क्योंकि आप एक बस याद रखो बेटा कि सुकून कब्र में है, सुकून कब्र में मिलता है बेटा, ये आप नहीं सोचो, सब इधर आ जाते बेटा। आखिरत की इतनी अच्छी सोच आपको कहाँ मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी बेटा, ये कहीं नहीं मिलेगी। कितने बड़ी बड़ी बातों के आखिर में आप एक जुमला बोलो, कब्र अच्छी बनाओ, सारी मेहनत का खुलासा है। शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी मरो, जल्दी जाओ और अपनी कब्र अच्छी बनाओ, बस खुलासा है। आ तो गए हो, अब जाने की करो, ठीक। लोग कम बचेंगे, आटा ज्यादा हो जाएगा, महंगाई खुद कम हो जाएगी, कितनी आसान बात है। ये सब महंगाई इसलिए है कि महंगाई ऊपर जाए, लोग खरीद ना पाए, मर जाए, कब्र अच्छी हो जाए, जो रह जाए उनकी दुनिया अच्छी हो जाए। तो ये सारा निजाम बड़ा प्लैंड है यार, तुम क्या हल्का ले रहे हो। चलो इधर क्लैरिटी, अब आओ क्लैरिटी में दोस्तों, ये एग्जांपल याद करवानी है। अब देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये एग्जांपल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सारा टाइम वी वर्क राइट वे टू द कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस द कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग और एक ऐसा ही था, साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग। तरीके से कर दिया बात,
लिंक करते हैं। The second statement is because the key passage was via therefore do not interrupt the main clause if the interruption will cause ये तब बात करते हैं जब interruption से बात समझ में। लेकिन मैं और आप दिन में पता नहीं कितनी बार ऐसे करते हैं, हम clause clause नहीं सोचते, हम सब बोलते हैं पुल में। तो वो जब समझ में आ रही होती है तो फिर बीच में नहीं देखते थे क्या बात है, बस बोलते हैं। ये तब बात हुई जब बिजनेस की घर में हम इतना सोच भी नहीं पूछते थे, सोचो मेन क्लॉज हो गई सब आ गया अब तो जवाब में है राइट अब ये नहीं चल सकती, ये बिजनेस की बात है। ठीक है आगे आप क्लैरिटी के अंदर सिंपल है प्रॉस्पेरिटी और क्रेडिट लॉस एंड एडवर्सिटी की और इस सच बात जब बुरा वक्त आता है तो आपका अपने दोस्त ये सब्सिक्वेंट का वर्ड यूज होता है इनको बोलने में। अगली बात डोमिसाइल यूज नहीं करना, वो यूज करें डोमिसाइल भी यूज ईजी यूज नहीं करना, मगर क्या करना ईजी भी यूज जी। ये एग्जांपल है बीइंग एन एक्सेंट लॉयर आई एम श्योर यू कैन आप यू नहीं बोले आप ये बोले बीइंग एन एक्सेंट लॉयर यू कैन श्योर यू हैव आई एम श्योर मुझे भी तुम करोगे और जहाँ पुलिस बात होती है तो नाम लगता है आपको प्रैक्टिकल तो बताया गया है कि रेगुलेशन और ये जैसा है सिर्फ यूजिंग एंड डोमिसाइल हो गया स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट की जगह रीजन देते रहे रीजन फॉर एक्सिस्टेंस क्यों बने क्यों दावा बनता है और आपने यहाँ मोडस ऑपरेंटी का मतलब ये होता है कि बेटर ऑफ बट ये Your investment and your money is safe in your pockets, but it is not supposed to be kept there. Supposed to be invested, spent in good causes for humanity, for parents, for relatives. Kept there. We get about it. The ships was smooth sailing, but the now the motor was being hard. Lekin galti se nahi kiya humne. Usne kaha apne baal ko kare. जी कर्टेसी 6.1 के बाद 6.2 दो बार वी बी अफ्रेड ऑफ दोस जो अपने खारिज नहीं करते उनसे डरना चाहिए क्योंकि उनके वाले भी झूठे होते हैं उनकी बातें भी झूठे होती है तो रब से वो मन तेरे को हमसे कहते हैं आ टैक्टिस इन फ्लैग अब जरा समझिएगा इस बात को स्टार्ट करते हैं इसकी जगह क्या चाहिए इट्स माय इसी तरह यहां पे सॉरी जी क्लियरली यू डिड नॉट रीड माय लेटेस्ट फैक्ट्स ये फैक्ट्स तो अब आउटडेटेड हो गया आप टेक्स्ट मैसेज कर लें तो सम टाइम्स माय वर्डिंग इज नॉट प्रिसाइज लेट मी ट्राई तरीके से बोलने आपने ऐसी बात नहीं करनी जिसे दूसरा चिढ़े कर्टेसी का मतलब होता है दूसरे को रिस्पेक्ट शो करना और कर्टेसी में यह होता है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करोगे तुम तो कर ही नहीं सके बेकार बात कर रहे हो पागल नॉनसेंस ये जुमले यूज नहीं करेंगे
सही है, इन जुमलों का इम्पैक्ट बच्चों पे भी होता है, सॉरी अपने बच्चे दूसरों के। बेटा अभी तो ये बहुत सवाल किया इसने, अभी तो बेटा आप जिनके बच्चे हैं उनको फिक्र होनी चाहिए कि आप ऐसे क्यों रहे। चलो ठीक है आ जाए, ख्याल रखिएगा मैं AFC में बाद में पढ़ाने आया हूँ, CA फाइनल्स पहले पढ़ाता रहा, सही है अब समझ में आ जाएगा। तो मेरे बहुत प्रोजेक्ट पर जाएंगे तो मैं शायद किसी तरह क्लास में बोल भी नहीं पाया, अभी पूरा CA कहना है इंशाल्लाह। ख्याल रखिए, चलिए आगे। ये जब कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं ना तो कम्युनिकेशन की चीज चुप कराना होती है, उससे पहले सीख के आते हैं, ठीक है। चलो प्लीज आ जाओ, ख्याल रखें, ऐसी बातें ना करें अपने और गैरों की, अपने ऊपर रख के करेंगे मैं अच्छे अच्छे जवाब दूंगा। चलो आगे, तो कर्टिसी ये कहती है कि इंसान को पहले अपने करीब, जैसे स्टूडेंट है तो मुझे फिक्र होगी उनकी उनके वाले हैं, कर्टिसी ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जिससे दूसरे को रिस्पेक्ट छोड़ना, अच्छी बात करनी है। मिसाल, मुझे तो ये टेबल समझ में ही नहीं आया, अब यूं नहीं बोले, ये क्या है अजीब, नहीं यूं नहीं बोले, अब बोले मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये तो ये चीज है, वो टेबल गलत है ना, किसी ने सेल्स की वर्किंग करके दी है, आप देख के बोले मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो इसमें सिर्फ दो प्रोडक्ट की सेल्स की वर्किंग है, तो आपने साइलेंटली ये बोल दिया कि सब सेल्स रिपोर्ट पूरी नहीं है। You did not understand my message. तुम्हें समझ भी नहीं आया, नहीं आप बोलते हैं सॉरी, the point I was making was, let me explain it in a different way. शाबाश, आपने पूरी अभी तक की बातों में एक चीज देखी, तमीज से बात करनी है पूरी बात ना, तो कितनी मुश्किल बात। बिल्कुल बेटा मुझे अंदाज है, करेक्टनेस, इसमें करेक्टनेस के अंदर याद रखें बस, इसकी खाली एग्जांपल आएगी, लेकिन एक चीज समझाऊं पहले, टाइम क्या हो रहा है यार, अभी 4 बजे, 4 एक आपने टोका ना मुझे, जो चीज फैक्ट के अगेंस्ट हो इसको बोलते हैं करेक्टनेस, क्या कहते हैं बेटा इसको करेक्टनेस। इसी तरह बेटा वली वकील, वकील क्या कह रही हो, क्या कह रहे हो वकील, क्या कह रही हो, ये तो फीमेल्स के लिए यूज होगा ना, एक अगर ग्लैमर की गलती हो वो भी किसी में आएगा, करेक्टनेस। और इसी तरह मैं स्पेलिंग गलत लिख दू, कोई दिस दैट कुछ गलत हो जाए, तो जो गलतियां होती हैं, मिसाल के तौर पे लोग आपने ये देखा होगा अपार्टमेंट की स्पेलिंग लिखते हैं तो एक डबल पी से लिख देते हैं, वो गलत है, सिंगल पी आता है, वो शॉर्ट फॉर्म में डबल पी आता है। इसी तरह लोगों की कॉमन मिस्टेक्स कुछ और होती हैं, वो वेंसडे को पढ़ते हैं वेडनेसडे, 3 स्पीड ब्रेकर्स के साथ पढ़ते हैं वेडनेसडे, तो ये होने का चाहिए वेंसडे, खैर आपकी मर्जी, आप जो पढ़े कोई पकड़े में नहीं। तो पॉइंट क्या है, समझने वाली बात दोस्तों, बात यह है कि ये जो गलतियां है ना ये करेक्टनेस में आएगी। एक एग्जाम्पल आ रही है, डू वर्क और जिंदगी में एक ही चीज हो सकती है, गोल एक चीज को बनाओ, या तो डू वर्क और टेक क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का इंतजार कर रहे हो और फिर वर्क भी कर रहे हो तो ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, भूल जाओ नाम, नाम खुद बनेगा, अगर नाम अल्लाह ने बहुत दे दिया वेरी गुड, वरना आप अपने आप को जस्टिफाइड रखो। हियर इट कम्स, जिस जगह को पढ़ना है ये खाली याद करने हैं, ये जगह है असल, आए Most outlets grow except Faisla bed which chudail see dropping off 10%. ये वो ही है, ये इंग्लिश वो है, वो आप इंग्लिश सुनी ना बॉयज प्लेड वेल वाली, ये वो वाली इंग्लिश है, अलहमदुल्ला तो अच्छा है उसके आगे से, ठीक है तो वो बॉयज प्लेड वेल तक तो सही रहता है, उसके आगे जो इंग्लिश के अगले बार जो नीमे बनते हैं ना वो बहुत ही गैर मुनासिब हो जाते हैं, बहुत पहले तो खैर याद होती थी बातें भी याद नहीं है। सुने मोस्ट आउटलेट्स ग्रो, पहली बात है आउटलेट्स, तो आउट अपोस्ट्रोफी भाई दोस्तों हट जाएगा, अपोस्ट्रोफी की जरूरत वो तो सिंगल आउटलेट के लिए होगा, और ग्रो की जगह नहीं होना चाहिए ग्रू, और एक्सेप्ट ए वाला नहीं ई वाला,
जिसको हम कहते हैं कि इसके अलावा, अरबी में हम कहते हैं इल्ला, एक्सेप्ट फॉर। और इसी तरीके से फैसला बाद है, बेड नहीं है, और विच है चुड़ैल नहीं है, ये चुड़ैल वाला विच नहीं है, सही है। और इसी तरह डिक्लाइन, सी ड्रॉपिंग ऑफ, मुझे वो गिरता हुआ दिख रहा है, तो आप बोले भाई डिक्लाइन, सही है। तो होना क्या चाहिए, पढ़ो, मोस्ट आउटलेट्स व्यू एक्सेप्ट फैसलाबाद विच डिक्लाइन। करेक्टनेस किसे कहेंगे, फैक्ट के अगेंस्ट हो, स्पेलिंग के अगेंस्ट हो, ग्रामर की गलती हो, इन सब चीज़ों में हम किसको रेफर करेंगे, बोलो, करेक्टनेस को। याद रहेगी बात, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ होमवर्क है, अब से होमवर्क शुरू करते हैं, होमवर्क बता रहा हूँ वो नोट करें।